फ्रेंड्स, आज बेसिकली हम बनाएंगे जीरा राइस की परफेक्ट रेसिपी विद टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया। गर्म होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे जीरा और जीरे को अच्छे से होने देंगे क्रैकल। ठीक है, भुना। उसके बाद हमने इसके अंदर डाला चावल और नमक। ठीक है, नमक डालने के बाद 2 मिनट तक इसको चावल को ऐसे ही भून लेंगे ताकि चावल का पानी सूख जाए और चावल के ऊपर अच्छे से ऑयलिंग हो जाए। उससे चावल ना बहुत खिला खिला बनता है चावल का ऑयलिंग होने के बाद। आप देख सकते हैं चावल पे अच्छे से ऑयलिंग हो गई है इस तरह से कुछ। ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाला गरम मसाला। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। ठीक है, और पानी हमेशा याद रखिए, थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। पानी का ना हमेशा याद रखेंगे, पानी चावल से इतना ऊपर होना चाहिए। इसके लिए अब कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस चावल से इतना ऊपर पानी। और अगर आपको लगता है ना आपके चावल में नमक कम रह जाता है, तो ये जो ऊपर का पानी है इसको टेस्ट कीजिए। ठीक है, इसी पोजीशन में आप इस पानी को टेस्ट कीजिए। अगर पानी में नमक ज़्यादा है तो इट मीन्स नीचे चावल में नमक बिल्कुल परफेक्ट होगा।